Assalamu alaikum everyone, welcome back to our YouTube channel Codenext Solution. In this video we will discuss about how to insert rows and columns in your table. So let's start. ये जैसे क्या स्क्रीन पे टेबल शो हो रहा है, अगर आप चाहते हैं कि जैसे ये कॉलम्स हैं इसमें एक और कॉलम ऐड करना चाहते हैं, सो यहाँ सो आप लेआउट पे जाएंगे. ये जहाँ यहाँ पे लेआउट शो हो रहा है यहाँ पे जाएंगे. यहाँ पे अगर आप मतलब राइट साइड पे अगर कोई कॉलम ऐड करना चाहते हैं राइट को टैप करेंगे देन ये कॉलम ऐड हो जाएगा. और इसी तरह अगर आप लेफ्ट पे कॉलम ऐड करना चाहें देन आप लेफ्ट पे क्लिक करेंगे लेफ्ट पे भी हो जाएगा. इसी तरह अगर लाइक दैट ये लेफ्ट पे कॉलम ऐड हो गया और यहाँ पे अगर हम राइट पे करना चाहें ये राइट पे कॉलम ऐड हो गया. इसी तरह अगर आप अबव एक रो इंसर्ट करना चाहते हैं देन इधर पे क्लिक करेंगे एक रो अबव इंसर्ट हो जाएगी जैसे आप देख रहे हैं. इसी तरह अगर यहाँ पे आएंगे बिलो मतलब नीचे की तरफ अगर एक रो ऐड करना चाहते हैं देन इस पर क्लिक करेंगे ये नीचे की तरफ एक रो ऐड हो जाएगी. तो एक और मेथड है, अगर आप चाहते हैं अपना टेबल खुद ड्रॉ करें सो आप यहाँ ड्रॉ पे आएंगे इस पर क्लिक करेंगे देन यहाँ पे आपके पास ये पेंसिल शो हो गई है. इसको आप क्लिक से इसको इस तरह आप अपना टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दैट. ये आपके पास टेबल रहा. अब अगर आप चाहते हैं इसमें कॉलम्स ऐड करें देन अपने पेन को यहाँ पे इस तरह करेंगे ये कॉलम ऐड हो रहे हैं. मतलब अपने मर्जी से आप डिस्टेंस रख सकते हैं इसको ड्रॉ करने का ये मकसद है. ये देखें मैंने कुछ मेरे पास जो कॉलम्स हैं किसी का साइज बड़ा है किसी का साइज छोटा है. इसी तरह अगर हम इस वाले कॉलम को कुछ ज़्यादा ही बड़ा करते हैं ठीक है इसी तरह हम इसके रोज भी ड्रॉ कर सकते हैं ये देखें. और अगर आप कुछ इरेज करना चाहते हैं यहाँ पे इरेजर भी अवेलेबल है इसको करेंगे. और ये देखें अगर हम यहाँ से इसको इरेज कर दें देखें यहाँ से बिल्कुल इरेज हो गया ये कॉलम. अगर हम यहाँ से इरेज करना चाहें ये देखें ये लाइक दैट. इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप कोई चीज़ कट करें ये देखें जैसे हमारे पास एक्स्ट्रा कॉलम्स ड्रॉ हो गए हैं उसको आप कट आउट करना चाहते हैं देन इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे देन लेआउट पे जाएंगे यहाँ पे डिलीट पे जाएंगे तो डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे देन ये कॉलम हमारे पास डिलीट हो जाएगा. इसी तरह अगर आप रो को डिलीट करना चाहते हैं इसको सिलेक्ट करेंगे डिलीट पे जाएंगे एंड डिलीट रो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डिलीट हो जाएगा. और इसी तरह इसको भी अगर हम डिलीट दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं डिलीट पे जाएंगे डिलीट कॉलम्स लाइक दैट इसको भी डिलीट कर दें जो हमने बाद में इंसर्ट किए इनको हम डिलीट कर देते हैं डिलीट कॉलम पे जाएंगे. और इसी तरह एक और है अगर आप कोई एक सेल को डिलीट करना चाहते हैं वो भी डिलीट हो जाता है. ये देखें डिलीट पे डिलीट सेल डिलीट कॉलम डिलीट रोस एंड डिलीट अब टेबल. अगर आप ओवरऑल टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो देन डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपका ओवरऑल टेबल भी डिलीट हो सकता है. सो आप अपनी मर्जी से अपने रोज एंड कॉलम का साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं लाइक दैट. अगर आप अपने प्रिकॉर्सर को यहाँ लेके जाएंगे ये देखें आप इस तरह अपने ये कॉलम्स के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं. अब देखें इसको अब आप चाहते हैं अगर इस वाले कॉलम को इंक्रीज करें देन ये देखें लाइक दैट. ये देखें अब इसको भी अगर हम इंक्रीज करें प्रिकॉर्सर को इधर लेके जाएंगे लाइक दैट. अगर हम रोज का साइज इंक्रीज करना चाहें देन प्रिकॉर्सर को लेके जाएंगे ये देखें रोज का साइज खुद बहुत इंक्रीज हो रहा है. डिक्रीज भी हम इसी तरह कर सकते हैं अपने प्रिकॉर्सर को अप एंड डाउन मूव करेंगे देन हमारा रोज का साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज होता जाता है. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. सो आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू इंसर्ट रोज एंड कॉलम एंड हाउ टू कट कॉपी एंड पेस्ट रोज एंड कॉलम एंड ऑल्सो हाउ टू ड्रॉ टेबल for yourself and also how to draw table on your own. Thanks for watching my video. Please like and subscribe our YouTube channel for more updates. Allah Hafiz.